हरे कृष्णा बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए हरे कृष्णा? भक्त करते हैं हरे कृष्णा। भक्त क्यों? भक्त कौन होते हैं? ब्रह्मचारी। अच्छा, ये ब्रह्मचारी क्या होते हैं? दास। अच्छा, भगवान का दास बनने के लिए क्या करना पड़ता है? भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। कैसे करते भक्ति भगवान की? मृदंग बजाना, सेवा करना, करताल बजाना, कृष्णांध का कीर्तन करना, माला जप करना। आप माला जप करते हो? हम्म। और आपने जो ये माला पहना हुआ है वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें क्या है? किस चीज का लॉकेट है ये? नरसिंह भगवान का। ये कौन थे? नरसिंह भगवान। कौन थे नरसिंह भगवान? हिरण्यकश्यप का नरसिंह ने पेट फाड़ दिया था। पेट क्यों फाड़ दिया था? क्योंकि वो प्रहलाद महाराज को आग में डाल दिया था। अच्छा, ये बताओ, आप सुबह सुबह उठे हैं तो आपने ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता किया, आपने खाया आपने कुछ भी? खाना नहीं होता, प्रसाद होता है। अच्छा, प्रसाद होता है। अच्छा, उसे प्रसाद क्यों कहते हैं? गुरुजी ने कहा है, भगवान को भोग लगता है। अच्छा, भगवान को भोग में कौन कौन सी चीजें लगती हैं बताइए? कौन कौन सी चीजें भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है? जो भगवान पाते हैं वो ही हम पाते हैं। अच्छा, तो आप लोग सैलेड वगैरह लहसुन प्याज भी भगवान को पसंद है? नहीं पसंद है? क्या क्यों नहीं पसंद? भोग में तुलसी दल डाल के पाते हैं भगवान, नहीं तो ऐसे नहीं पाते। आप डेली भोग लगाते हो? हाँ। ठीक है, आपको आपको क्या पसंद है खाने में भागवत? खाना नहीं होता, प्रसाद होता है। सॉरी, प्रसाद होता है। आपको क्या पसंद है प्रसाद में? जो माधव पाते हैं वही पसंद है। अच्छा, माधव को क्या पसंद है? गोभी रोटी। जो गोभी रोटी पसंद है। अच्छा अच्छा, माधव को लहसुन प्याज क्यों नहीं पसंद है? यज्ञशिष्टा सीन संत वो जानते थे, सर्वकिल विषय भून जानते थे, स्थागम पापा ये पचनते आत्मा कारनाथ। इसका क्या मतलब होता है? कृष्णा के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं जो कृष्णा को भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं। अच्छा, जो बिना भोग लगाए खाना खाते हैं वो केवल पाप खाते हैं। आप पाप मत खाओ, आप कृष्णा को भोग लगाओ, राम जी को भोग लगाओ, कृष्ण जी को भोग लगाओ, फिर प्रसाद पाओ। लेकिन भगवान को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता। कृष्णा रीवो। बहुत बढ़िया। अच्छा शुक्रिया, हम भी डेली भोग लगाएंगे। डेली हम डेली भोग लगाएंगे। ठीक है, आप मुझे वृंदावन लेकर चलोगे घूमने? वृंदावन घूमने नहीं जाते, वहाँ भगवान के दर्शन करने जाते। अच्छा, दर्शन करने ही जाऊंगी, मुझे लेकर चलोगे आप? ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि आप स्कूल जाते हो? नहीं। तो गुरुकुल? गुरुकुल जाते हो आप? अच्छा, गुरुकुल में क्या सिखाते हैं? भगवत गीता पढ़ते हैं, कृष्णा पढ़ाते हैं। कृष्णा पढ़ाते हैं? अच्छा, भगवत गीता में आपने क्या क्या पढ़ा है? आपको कौन सा श्लोक सबसे ज्यादा पसंद है? जदा जदाई धर्मस्सा ग्रालिन वर्वति वार्ता अभ्योदानम अधर्मस्य तदात्मानम सदाम्यम। इसका क्या मतलब होता है? जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं तार लेता हूँ, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। और बताइए, आप गुरुकुल में क्या क्या पढ़ते हैं? मतलब ABCD आपको आती है? भागवत जी, आज हम आपसे सुनेंगे सनातनी ABCD। तो शुरू करते हैं। ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चैतन्य, डी फॉर दामोदर, ई फॉर एकचक्काश, एफ फॉर फ्लो, जी फॉर गंगा, एच फॉर हनुमान, आई फॉर अंडरवेल, जे फॉर जगन्नाथ, के फॉर कृष्णा, एल फॉर लवकुश, एम फॉर महाप्रभु, एन फॉर नरसिम्हादेव,
ओ फॉर ओम, पी फॉर प्रहलाद, क्यू फॉर चुनकुंती, आर फॉर राम, एस फॉर सीता, टी फॉर तुलसी, यू फॉर उद्धव, वी फॉर वांदे, डब्ल्यू पतरंगा, एक्स फॉर यालो फोन, वाई फॉर जिस्तामिया, एंड जेड फॉर मुच्छू पे सब जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब आप जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, अब हम तो गुरुकुल में गए नहीं है, तो हमें भी गुरुकुल में पढ़ना चाहिए था। स्कूल में क्यों नहीं जाना चाहिए, गुरुकुल में ऐसा क्या है? भगवत गीता पढ़ना। भगवत गीता में है क्या ऐसा? जीवन का लक्ष्य पता लगेगा। जीवन का लक्ष्य पता चलेगा, आपको पता चल गया? कोई दुखी नहीं होगा, वो हमेशा खुश रहता है, माला करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, भगवान का कीर्तन करता है। अच्छा भागवत, आपको आपके जीवन का लक्ष्य पता चल गया है? आपको आगे क्या करना है बड़े होकर? जय श्रील प्रभुपाद बनना है हमें। अरे वाह, ये श्रील प्रभुपाद है कौन? भगवान के सबसे बड़े भक्त। सबसे बड़े भक्त, भक्त जो सबसे, ये सबसे बड़े भक्त है, हम भी भक्ति करेंगे, वो सबसे बड़े भक्त कैसे हुए? ये कैसे पता चलता है कि ये सबसे बड़े भक्त हैं? ऐसा क्या करना पड़ता है कि मतलब हम सबसे बड़े भक्त हैं? ये कैसे पता आपको कि श्रील प्रभुपाद ही सबसे बड़े भक्त हैं? हर समय सेवा करते हैं प्रभुपाद, हम भी सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। सेवा, अच्छा सेवा कैसे करते हैं? सेवा हम भी वैसे ही सेवा करेंगे, बताइए हमें भी। प्रचार सेवा, प्रचार कृष्ण जी का प्रचार करना है। हाँ। अच्छा भागवत, एक और बात मुझे बताओ, कृष्णा को सबसे ज्यादा कौन प्रिय था? मैं बताता हूँ आपको, हम भगवान श्री कृष्ण से पूछ लेते हैं उनको सबसे प्रिय कौन है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। एक मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, एक पिता के दो बच्चे हैं, एक बच्चा खो गया, दो दूसरे बच्चे को ढूंढ कर लाता है, वो अपने आप प्रिय बन जाता है। इसलिए हम कृष्णा का प्रचार करते हैं, भगवत गीता का प्रचार करते हैं, तो हम भक्ति भी जीवों को कृष्णा से जोड़ते हैं, इसलिए हम भगवान के प्रिय हैं ना। और आपको तो कृष्णा बहुत पसंद करते होंगे, है ना? ठीक है। अच्छा एक सवाल मेरा, ये आपने ये क्या लगाया हुआ है सर पे, ये लंबा सा तिलक? तिलक है, इसे तिलक कहते हैं? अच्छा ये तिलक इस ऐसे लगाने से क्या होता है? ये ऐसी लंबी वाली तिलक आपने लगाई हुई है। हाँ। इसको लगाने से क्या होता है? कृष्णा खुश होते हैं। अच्छा कृष्णा खुश होते हैं। अच्छा ये जो नीचे आपने लंबा किया हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है? तुलसी दल की जय। अच्छा ये नीचे तुलसी है, और ये जो लंबा सा आपने बनाया हुआ है चंदन का, वो ये तिलक। तिलक है। एक सवाल मेरा भी शुक्रिया। वैसे भागवत, आप जीन्स शर्ट टी शर्ट नहीं पहनते, आप धोती कुर्ता पहनते हैं? हाँ। क्यों? गुरुजी ने कहा है। गुरुजी ने क्या कहा है? सबको धोती कुर्ता पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? भक्त को, भक्त धोती कुर्ते पहनते हैं। अच्छा अगर अगर जैसे हमने जीन्स पैंट जो पहना है वो भक्त नहीं है? नहीं, हम जीन्स पैंट पहन के भक्ति नहीं कर सकते। अच्छा जैसे हम तो जीन, हम तो धोती कुर्ता नहीं पहन सकते, तो हमें क्या पहनना चाहिए? साड़ी पहननी चाहिए। साड़ी पहननी। अनुष्का आप से हम साड़ी पहनेंगे अगली बार भागवत जब हम आपको मिलेंगे, हम दोनों ही साड़ी पहन के मिलेंगे, ठीक है? हाँ तो भागवत एक बात बताइए, कि आप गुरुकुल में पढ़ते हैं तो आपके दोस्त होंगे, आप लोग सब खेलते हैं, आपको खेल में रुचि है? कृष्णा कबड्डी कबड्डी खेलते थे। कबड्डी कबड्डी खेलते थे? आप कबड्डी कबड्डी खेलते हो? हाँ। आपको मजा आता है खेलने में? आनंद आता है, मटकी चुराता हूँ। मटकी भी चुराते हो? माखन खाते हो आप? और जब आपको, जैसे कृष्ण को आप जानते हैं कि उनको उनकी जो माँ थी बहुत पनिशमेंट देती थी,
वो कभी कभी घर से बाहर निकल जाते थे, बिना बताए चले जाते थे, उनको बांध कर भी रख दिया जाता था। क्या आपको भी आपकी माता पनिशमेंट देती है, डांट लगाती है? क्या क्यों डांटती? आप शरारत करते हो? कैसी शरारत करते हो? मटकी चुराना पसंद है। और ऐसे काइट जो पतंग उड़ाना नहीं पसंद? क्यों नहीं पसंद पतंग उड़ाना? भौतिक वस्तु। अच्छा, भौतिक वस्तु क्या होती है? जो हमें कृष्णा से दूर करती है वो भौतिक वस्तु होती है। जो कृष्णा से दूर करती है वो? जब हम काइट उड़ाते हुए पतंग उड़ाएंगे तो कीर्तन करेंगे। मतलब हम कोई भी काम करें अपनी डेली लाइफ में, उसमें हरे कृष्णा अगर हम बोल रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं, तो वो सारी भौतिक वस्तुएं हमें दूर नहीं करती, भगवान से जोड़ के रखती हैं। अच्छा भागवत, आप वीडियो गेम नहीं खेलते हो? बहुत सारे छोटे बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, आपको नहीं पसंद वीडियो गेम खेलना? वीडियो गेम नहीं खेलते हो? टीवी देखते हो? टीवी भी नहीं देखते? उसमें लिटिल कृष्णा देखता हूँ। लिटिल कृष्णा देखते हो? अच्छा, लिटिल कृष्णा में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा आपने? आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? अगासुर लीला, तालवन, जो मसूर, और कृष्णा की वाणी। चलिए, अच्छा एक बात और मुझे बताइए कि अभी आप जो आप खाना खाते हैं, है ना, आपको अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ प्रसाद, तो प्रसाद डायरेक्ट खा लेना चाहिए या प्रसाद खाने के पहले कुछ मतलब भोग लगाते हैं, मरवंत पढ़ते हैं, कुछ ऐसा कुछ करना पड़ता है? हाँ। क्या करना पड़ता है? भोग लगाना पड़ता है। माँ प्रसाद गोविंद नमो ब्राह्मी वैष्णव ताप्रोणता जन कृष्णा कृष्णा जयते सभी जल जंदिकारे काल जीवे फैले विशेषाग्र तार मत्ते जीवाती लोग मास गर्मती ताके दे ताकतन सरे कृष्ण दया दया मोए कारी बारे जीवा जाए से प्रसाद अने देलो भाई से अरनावत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे जाकुशी चतन नन्नी जैन माई जैन तय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा गोपाल श्रेष्ठ भगवान की जय माँ प्रसाद की जय तय गौ प्रवंदे हरे हरे। अच्छा, अरे ये बताओ कि ये मंत्र पढ़ के खाने से क्या होगा? फिर भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अंतर क्या है, हम बिना मंत्र पढ़े भी खाएंगे तो भी भगवान का नाम लिए खा लिए प्रसाद है, और ये मंत्र पढ़ के भी खाएं तो प्रसाद है? कृष्णा खुश होते हैं। कृष्णा खुश होते हैं अनुष्का, अगले बार से हम ध्यान रखेंगे, हमें ये मंत्र याद करना होगा, हमें ये मंत्र भागवत गीता से खाएंगे, क्योंकि ये तो इतना इजी नहीं है मेरे लिए। भागवत काफी ज्यादा समझदार है, बहुत, इनसे ही हमें सीखना पड़ेगा। आप हमें सिखाएंगे ना? हाँ। अगले बार से हम जब भी खाना प्रसाद ग्रहण करेंगे तो पहले मंत्र भोग लगाएंगे, भोग लगाते के साथ मंत्र पढ़ेंगे जो हमें भागवत सिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare